दादा जी के पास जा रहे हैं, मतलब जो मान्यता है उधर, तो ये रास्ता है गरोठी और टिटोली के बीच में है ये रास्ता। यार ये देखो कैसा रास्ता है, मतलब पक्का नहीं हुआ, कच्चा ही है, मगर जो मिट्टी है ना वो कितनी कड़ी हो गई है, तो रोड की तरह ही यूज़ हो रही है। कहीं कहीं पे बालू मिट्टी भी पड़ी है, तो बाइक तो अच्छे से चल रही है, इधर ऑफ रोडिंग ही हो रही है हमारी, हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट अगर शहर वाले आए उनके लिए तो ऑफ रोडिंग है ये, क्योंकि हमें तो आदत हो जाती है भाई खेतों में जाते जाते कि कैसे चलाना है, तो ज़्यादातर बाइकिंग तो ऐसे ही सीखी जाती है, भी खेतों में जाना पड़ता है, और अब तो बाइक का थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है कि जल्दी जाओ जल्दी आओ। पहले तो उठा के खुद लेके आते थे, अभी बाइकों पे लेके आ रहे हैं, चारा वगैरह या कुछ भी लेके आना जाना होता है, तो बग्गियाँ बहुत कम हो गई हैं, बग्गियाँ दिखाएंगे कभी सामने आई तो। ये ऐसी शेप इसलिए बनी हुई है क्योंकि बारिश हो गई थी, ये देखो मैं बता रहा था ना मिट्टी कटी हुई है, देखो कितनी काटी हुई है, ये सब बैरिक्स बनाने के लिए काटी गई है। ये देखो सामने जो दिख रहा है ये मान्यता है जुल्फिकार की, इधर दादा को बहुत मानते हैं। शायद और कोई भी आया हुआ है, बाइक खड़ी हुई है, मंदिर के दरवाजे तो खड़ी मतलब खुले हुए हैं। नहा दो क्या है भाई? मैंने नहीं नहाया, मैं बाहर ही रहूंगा। ये ये इधर पास में थोड़ा तला है मंदिर के पास में, और ये मंदिर है। हेलो भैया, अभी साफ सफाई चलेगी।